अस्सलामु अलैकुम। तो भाई आज हमने पढ़ना है सरफेस टेंशन, और वीडियो के आखिर में मैंने आपको दो न्यूमेरिकल्स कराने हैं सरफेस टेंशन से रिलेटेड, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपने ज़रूर देखना है। और साथ ही साथ जो है वो कैपिलरी एक्शन भी पढ़ेंगे और उसको भी समझेंगे। अब सबसे पहले पढ़ लेते हैं कि सरफेस टेंशन क्या है। देखो, सरफेस टेंशन का ये फार्मूला तो बहुत ईजी है, लेकिन इससे बात मुकम्मल नहीं होती। सरफेस टेंशन को सबसे पहले इस डायग्राम से समझते हैं। भाई आपके पास है पानी, उस पानी को आपने, या कोई भी लिक्विड है, आपके पास एक लिक्विड है, उस लिक्विड को आपने भर लिया है एक कंटेनर में। तो आप जब कंटेनर को ऊपर से देखोगे तो एक सरफेस आपको नज़र आएगा, है ना भाई। आप कोई भी पानी भरा हुआ है कहीं भी, तो आप उस भरे हुए पानी को ऊपर से देखो तो आपको एक सरफेस नज़र आता है। इस तरह से अगर देखोगे तो कुछ आपको नज़र आ रहा होगा। तो इस ही सरफेस पर आपके पास सरफेस टेंशन आ जाती है, यानी एक लेयर आ जाती है। वो लेयर आपके पास एक सरफेस टेंशन लेकर आती है। कैसे भाई? देखो, समझो, ये जो स्क्रीन है आपको जो नज़र आ रही है, समझ लो ये पानी है, ठीक है। ये पानी है, पानी भरा हुआ है। अब पानी भरे हुए होने की वजह से एक सरफेस आपको नज़र आ रहा है। इस सरफेस पर एक नहीं नज़र आने वाली फिल्म आ जाती है, यानी एक नहीं नज़र आने वाली एक लेयर आ जाती है। वो लेयर क्या करती है? वो लेयर किसी भी चीज़ को पानी में जाने से रोकती है। इसे मेम्ब्रेन भी कहा जा रहा होता है। मेम्ब्रेन यानी एक लेयर है जो कि किसी भी चीज़ को पानी में जाने से रोक रही है, ठीक है। तो समझ में आ गई ना? आप ज़िंदगी भर नहीं बोलना सरफेस टेंशन क्या है, कि भाई एक लेयर है सरफेस पर, एक ऐसी लेयर है जो किसी भी चीज़ को पानी में अंदर जाने से रोक रही है। और वो लेयर क्या कर रही है? वो लेयर तनाव पैदा कर रही है, तनाव। इसी तनाव को टेंशन कहा जाता है। कहते हैं ना यार, दो लोगों के दरमियान टेंशन हो गया है, यानी दो लोगों के दरमियान एक तनाव हो गया, एक झगड़ा हो गया है। तो यहाँ पर लिक्विड में भी वो आ जाता है। अब ये तनाव यानी ये लेयर आती कैसे है, ये सरफेस टेंशन आता कैसे है, मैं ज़रा ये बताता हूँ इसके पीछे की केमिस्ट्री क्या है, क्योंकि आपको केमिस्ट्री समझनी होगी। देखो भाई, लिक्विड का जो मॉलिक्यूल है, लिक्विड के, भाई देखो H2 है, H2O ले लेते हैं या वाटर ले लेते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास है वाटर, कोई भी लिक्विड हो सकता है, लेकिन यहाँ हम वाटर ले रहे हैं। यहाँ पर है हमारे पास वाटर। इसको आपने बहुत डिटेल में समझना है ताकि सरफेस टेंशन पूरी क्लियर हो जाए आपको। तो भाई देखो, हमारे पास क्या होगा, हमारे पास यहाँ पर, हमारे पास ये होगा कि ये जो आपके पास बीच में मौजूद है, या सारे ही मॉलिक्यूल यही काम कर रहे होंगे, ये जो आपके पास मॉलिक्यूल मौजूद है, ये दूसरे मॉलिक्यूल को अट्रैक्ट करेगा, एक अट्रैक्शन फोर्स होगी। उस अट्रैक्शन फोर्स को क्या कहा जाएगा? कोहेसिव फोर्स। अब कोहेसिव फोर्स क्या होती है ये बता दूं, क्योंकि देखो हम यहां पर उसी की बात कर रहे हैं। तो अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन सेम मॉलिक्यूल्स, ठीक है। तो ये आपके पास हो गई मॉलिक्यूल्स, तो ये आपके पास हो गई कोहेसिव फोर्स। देखो वाटर है तो हर जगह पर वाटर के ही मॉलिक्यूल्स मौजूद होंगे, तो सेम मॉलिक्यूल्स के दरमियान एक अट्रैक्शन फोर्स है। फॉर एग्जांपल, ये मॉलिक्यूल इस मॉलिक्यूल को अपनी तरफ खींच रहा है, ये मॉलिक्यूल इस मॉलिक्यूल को अपनी तरफ खींच रहा है, इसी तरह से ऊपर वाला मॉलिक्यूल इस मॉलिक्यूल को अपनी तरफ खींच रहा है, और साथ ही साथ बराबर वाले मॉलिक्यूल्स भी एक दूसरे को खींच रहे हैं, और ये नीचे वाला मॉलिक्यूल ऊपर वाले मॉलिक्यूल को खींच रहा है, और इसी तरह ऊपर वाला मॉलिक्यूल नीचे वाले मॉलिक्यूल को खींच रहा है। तो बीच में कोई सरफेस टेंशन नहीं है, क्यों? क्योंकि फोर्स बैलेंस हुई भी है, एक मॉलिक्यूल दूसरे को खींच रहा है तो दूसरा मॉलिक्यूल भी पहले वाले को खींच रहा है, तो बीच में तो कोई सरफेस टेंशन नहीं है। अब आ जाते हैं ऊपर क्या काम होता है। ऊपर ये काम होता है कि ये वाला मॉलिक्यूल इस वाले मॉलिक्यूल को खींचता है, ये वाला मॉलिक्यूल इस वाले मॉलिक्यूल को भी खींचता है, और सेम बराबर वाला मॉलिक्यूल भी उसे खींचता है। इसी तरह से नीचे वाले मॉलिक्यूल को ऊपर वाला मॉलिक्यूल खींच रहा है, लेकिन एक ऊपर की तरफ कोई मॉलिक्यूल नहीं है, ऊपर की तरफ कोई भी मॉलिक्यूल नहीं है, ऊपर की तरफ जगह खाली है। तो जिसकी वजह से ये सारे मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, आपस में अलाइन हो जाते हैं, और ऊपर की तरफ जो है वो मॉलिक्यूल ना होने की वजह से एक सरफेस बन जाता है। भाई देखो, बात बहुत सिंपल है, कोई मुश्किल बात नहीं है। ये मॉलिक्यूल इसको खींच रहा है, ये वाला ही मॉलिक्यूल इसको भी खींच रहा है, सेम मॉलिक्यूल नीचे वाले को भी खींच रहा है, लेकिन ऊपर कोई मॉलिक्यूल नहीं है, तो क्या होगा, एक सरफेस बनता चला जाएगा। इसी तरह से एक सरफेस बनता चला जाएगा, तो इससे आपके पास क्या आ जाएगी, सरफेस टेंशन। अगर इसको मैं थोड़ा यहाँ बड़ा करके बना दूँ,
इन दोनों मॉलिक्यूल्स को तो आपको बात अच्छी समझ में आ जाएगी। देखो ये वाला मॉलिक्यूल इसको खींच रहा है, इसी तरह से ये वाला मॉलिक्यूल इसे भी खींच रहा है, ये वाला मॉलिक्यूल इसे खींच रहा है और ये वाला दूसरा मॉलिक्यूल उसे खींच रहा है, ये सब आपस में एक दूसरे को खींच रहे हैं। और इसी तरह से नीचे भी एक मॉलिक्यूल है जो कि ये दोनों आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, खींच रहा है, लेकिन ऊपर की तरफ कोई मॉलिक्यूल नहीं है। तो ऊपर की तरफ हमारे पास अट्रैक्शन फोर्स बच रही है, तो इसी वजह से एक सारे मॉलिक्यूल्स आपस में अरेंज हो जाते हैं और हमारे पास क्या आ जाता है, एक सरफेस आ जाता है और फिर उस सरफेस पर हमारे पास सरफेस टेंशन आ जाती है, यानी एक फिल्म बन जाती है। ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आ गई, ये चीज़ अपने पास बड़ा करके डायग्राम को बना लेना ताकि आपको बात और अच्छी तरह समझ में आ जाए। अच्छा, अब सरफेस टेंशन आप देखोगे कहाँ कहाँ। देखो भाई, आपने देखा होगा कि जब कोई पानी की बूंद ज़मीन पर आती है तो वो इस शेप में आती है, ठीक है, इस शेप में आ रही होती है। ऐसा ही वो क्यों होता है, ये भी सरफेस टेंशन की वजह से हो रहा है। क्यों? क्योंकि देखो, जब पानी की बूंद ज़मीन पर आ रही है ना, तो पानी एक दूसरे को आपस में खींच रहा है, यानी पानी के मॉलिक्यूल्स के दरमियान कोहेसिव फोर्स है, तो उस कोहेसिव फोर्स की वजह से पानी के मॉलिक्यूल्स आपस में एक दूसरे को खींच रहे हैं, तो एक शेप बन रही है और वो शेप इस तरह की होती है। ये वाटर ड्रॉपलेट है आपके पास एक, ठीक है। अभी इसी तरह और भी एग्जांपल दूंगा कि क्यों मच्छर जो है वो पानी की सरफेस पर बैठ जाता है, उसके बैठने की वजह भी सरफेस टेंशन होती है। अच्छा, क्यों एक सुई सरफेस पर रुक जाती है, उसकी वजह भी सरफेस टेंशन होती है। अब ये चीज़ तो यहाँ समझ में आ गई। अब देखो, ये आपके पास ऐसे था पानी, आपके पास ऐसे था, ये आपके पास पानी ऐसे था, मैं इसको ऐसे करके यहाँ पर बना दूंगा, ये यूं करके था आपके पास पानी, है ना। देखो, यूं करके पानी की एक लेयर बनी हुई थी, अब मैं इसको यूं करके आपके सामने बना दूंगा तो आपको और अच्छी तरह बात समझ में आएगी। कैसे? देखो, ये यूं थी ना, स्ट्रेट थी, मैंने समझ लो अभी आप सामने से देख रहे हो किसी भी चीज़ को, अभी मुझे सामने से देख रहे हो तो क्या हो रहा है, ये मेरा 2D शेप नज़र आ रहा है। अब मैं यूं करके अपना शेप बना रहा हूँ सामने की तरफ से, तो ये आ गया आपका, ये आ गया आपका ये कंटेनर। सामने से देख रहे हो तो ऐसा नज़र आ रहा है, ऊपर से देखोगे तो बिल्कुल ऐसे ही नज़र आएगा ना। जी सर, ऐसे ही नज़र आएगा। अच्छा, तो समझ लो ये आपके आ गए वाटर के मॉलिक्यूल्स और ये वाटर के मॉलिक्यूल्स सामने से देखोगे तो ऐसे ही नज़र आएंगे बिल्कुल। चलो, अब सरफेस टेंशन को निकाला कैसे जाता है, ये इस चीज़ के लिए मैंने आपको करके दिखाया है। देखो भाई, सबसे पहले आप एक इमेजिनरी लाइन बनाते हो, थोड़ा सा बेहतर बना लेते हैं, आप सबसे पहले एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करते हो, ठीक है, ये एक इमेजिनरी लाइन आ गई, इमेजिनरी लाइन आ गई। अब इस इमेजिनरी लाइन के परपेंडिकुलर मॉलिक्यूल्स एक दूसरे पर फोर्स लगा रहे होंगे, वो फोर्स ये वाली होगी, देख रहे हो, ये इस तरह से फोर्स लग रही है, इस तरह से एक दूसरे पर मॉलिक्यूल्स फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है। यही चीज़ डेफिनेशन में मैंने लिखी है, मॉलिक्यूल्स एक दूसरे पर यूं करके फोर्स लगा रहे हैं। अब ये जो फोर्स मैंने बनाई है, यहाँ पर मैंने क्या बनाई है, ये मैंने फोर्स बनाई है जिसे आप FTB कह लो, सरफेस टेंशन इसी फोर्स की वजह से आ रही होती है। तो अब ये जो यहाँ पर डेफिनेशन लिखी हुई है, इस डेफिनेशन को मैं इससे एक्सप्लेन करता हूँ कि आखिर फोर्स की वजह से कैसे सरफेस टेंशन क्रिएट हो रहा है। यहाँ पर तो आपने समझ लिया कि मॉलिक्यूल्स आपस में क्या कर रहे थे तो सरफेस टेंशन आई। अब यहाँ पर सरा समझो, मैंने ये एक इमेजिनरी लाइन बनाई, देखो ऐसी कोई लाइन होती नहीं है, ये इमेजिनरी है, इमेजिनरी है, यानी एक तस्वीर आती है। तो कहते हैं द फोर्स पर यूनिट लेंथ, तो जो लाइन बनाई है वो लेंथ ही है ना, एक लाइन है तो एक लेंथ ही होगी, वो इसका यूनिट क्या होगा, मीटर होगा, यानी ये एक लेंथ है। एक्टिंग ऑन आइदर साइड ऑफ द इमेजिनरी लाइन, ये फोर्स लग रही है इस लाइन के इर्द गिर्द, यानी नीचे की तरफ लग रही है, ऊपर की तरफ भी लग रही है। लाइन ड्रॉन यानी जो आपने बनाई है ऑन द लिक्विड सरफेस, और ये लिक्विड के सरफेस पर है, याद रखना मैं फिर बोल रहा हूं, ये सरफेस है जो कि आपको बराबर में खड़े होकर देखोगे तो ऐसा नजर आएगा, ऊपर से देखोगे तो ऐसा नजर आएगा, ठीक है। और एट रेस्ट, अच्छा ये पूरी चीज हमने रेस्ट पर रखी हुई है, मोशन नहीं कर रही है, अगर मोशन करेगी तो हमारी सरफेस टेंशन जो है वो, मतलब जो हमारी लेयर है सरफेस की, वो ख़राब हो जाएगी, उसमें वेव्स पैदा हो जाएंगी। द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स, अब ये जो फोर्स बनी है ये इस लाइन के तो परपेंडिकुलर है, देखो ना इस लाइन के ये फोर्स क्या है, परपेंडिकुलर है, 90 का एंगल बना रही है ना, लेकिन ये फोर्स इस सरफेस के टेंजेंट है। कैसे टेंजेंट है, देखो लाइन जो बनाई है वो मैंने यूं बनाई है,
तो लाइन के तो ये परपेंडिकुलर हो गई, लेकिन सरफेस के क्या हो गई? टेंजेंट हो गई। देखो टेंजेंट का मतलब क्या होता है कि जो कि एक पॉइंट से होकर गुजर रहा हो या बिल्कुल उसके ऊपर से गुजर रहा हो। तो देखो ये लाइन मतलब ये फोर्स सरफेस पर टेंजेंट आ रही है, लेकिन जो लाइन बनाई है उसके परपेंडिकुलर आ रही है। तो इस चीज़ को ज़रा अपने पास बहुत ध्यान से समझ लेना कि असल में बोर्ड 2D है तो इसलिए वो मैं 3D बना के दिखा नहीं पा रहा हूँ, लेकिन बात समझ में आ रही है कि इस लाइन के परपेंडिकुलर है जो कि आपको नज़र आ रहा है। सरफेस जो यूं आप देख रहे हैं ऊपर से, उसके वो टेंजेंट बनी हुई है, ठीक है, उसके वो टेंजेंट है लाइन। चलो ये बात तो माशाल्लाह से आपको बहुत अच्छी समझ में आ गई, सरफेस टेंशन क्लियर हो गया। और फॉर्मूला देख लो, वो फोर्स जो लग रही है पर यूनिट लेंथ पर, वो आपके पास सरफेस टेंशन है। अब आप बोलोगे सर कैसे, ज़रा मैं बताता हूँ। अच्छा इस फोर्स को ना ये भी कहा जाता है कि फोर्स ऑन सरफेस, और बिल्कुल सही बात है, ये फोर्स सरफेस पे ही लग रही है ना, तो इसीलिए फोर्स ऑन सरफेस। इस एल को ना, एफ तो मैंने यहाँ लिख दिया, इस एल को कहा जाता है फ्री लेंथ, LENGHT लेंथ। अब देखो ये जो लेंथ का कॉन्सेप्ट है ये बहुत ज़्यादा डिटेल में आपको नहीं समझाया गया है, लेकिन मैं फिर भी कोशिश करता हूँ फ्री लेंथ समझा दूँ कि क्या होता है और बाकी चीज़ें समझा दूँ, ताकि आपको ना बात अच्छी समझ में आ जाए कि लेंथ क्या है और ये चीज़ें और क्या हैं आपके पास। अच्छा तो थोड़ी सी हमसे मिस्टेक हुई हुई है, हमने स्पेलिंग में थोड़ी सी गलती कर दी है, आप लोग भी देख रहे होंगे सर आपने TH की जगह HT लिख दिया। हाँ तो अब सही हो गई ना, लेंथ हो गई हमारी। अच्छा अब देखो आगे चलते हैं, इसका यूनिट देख लेते हैं। तो इसका SI यूनिट क्या होता है, पहले छोटी छोटी बातें बता रहा हूँ ताकि आपको बात आसानी से समझ में आ जाए। द SI यूनिट इज न्यूटन, देखो ऊपर फोर्स है तो उसका यूनिट न्यूटन, और नीचे मीटर, तो नीचे लेंथ है तो उसका यूनिट मीटर। इसको ऐसे भी लिख सकते हो न्यूटन पर मीटर, ऐसे मीटर का इन्वर्स, दोनों तरीके से लिखना चल जाएगा, आपका मसला नहीं करेगा। अब देखो इसको थोड़ा सा ना और डिटेल में समझते हैं कि ये निकाली कैसे जाती है। आपको इसमें इन्होंने एक वो दिया हुआ डायग्राम, मैं उससे बता देता हूँ कि ये अगर निकालनी हो तो ये निकलती कैसे है सरफेस टेंशन। अच्छा सरफेस टेंशन आपको कब कब देखने के लिए मिलेगी, मैं ये बात बता चुका हूँ कि अगर कोई मच्छर पानी पर बैठा हुआ होगा तो वहाँ भी सरफेस टेंशन होगी। कैसे? देखो जब मच्छर बैठेगा, मच्छर का वेट बहुत कम होता है, बहुत ही ज़्यादा कम होता है। आप उसको अगर किसी मशीन पर रखोगे जो नॉर्मल होती है वेट करने वाली, तो उससे आप वेट नहीं निकाल सकते मच्छर का, तो मच्छर का वेट बहुत कम होता है। तो मच्छर जब बैठता है पानी के ऊपर, उसका वेट कम होता है, एक सरफेस बन गया है पानी का, और इस वजह से बना है वो सरफेस जो कि मैंने सिखा दी है। तो जब मच्छर इस पानी पर बैठेगा, फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर मैं मच्छर बना देता हूँ, ये हमारा मच्छर है, ठीक है, ये जब मच्छर इस पानी पर बैठेगा तो जो सरफेस टेंशन है ना, सरफेस टेंशन की वजह से जो लेयर बनी है, वो लेयर उसके लिए एक सरफेस का काम करेगी, जैसे हमारे लिए ज़मीन काम करती है ना सरफेस का, उसके लिए वो लेयर एक सरफेस का काम करेगी जिस पे वो आराम से बैठ जाएगा। लेकिन ज़्यादा अगर ध्यान से देखोगे ना डायग्राम जो आपको यहाँ पे बना के दी हुई है, तो वो पानी को दबा रहा होता है, अगर आपको ये नज़र आ रहा है वो पानी को दबा रहा है, यानी कोई लेयर है, कोई लेयर है, तो जिस वजह से वो बैठ पा रहा है, तो ये लेयर इसी वजह से बनी, सरफेस टेंशन की वजह से बनी। ठीक है बात समझ आ गई। अच्छा अब ये वाटर के ड्रॉपलेट मैंने आपको बता दिया था थोड़ी देर पहले कैसे बनता है। इसी तरह से अगर आप एक सुई को बिल्कुल जेंटली, बिल्कुल आराम से, देखो यहाँ पर एक्सपेरिमेंट लिखा हुआ भी है इन्होंने कि व्हेन अ पिन इज प्लेस्ड जेंटली ओवर द सरफेस ऑफ वाटर। अब जेंटली क्यों कह रहे हैं, जेंटली का वर्ड बड़ा इंपॉर्टेंट है, यूँ फेंकोगे ना तो वो डूब जाएगी, क्योंकि आप जब फेंकोगे तो उसके पास काफ़ी जो है वो एक्सेलरेशन होगी, तो जिसकी वजह से उसके पास वेट उसका जो आ रहा होगा वो उसको नीचे ले जाएगा। लेकिन बिल्कुल मामूली तरीके से लाओ और आराम से बस रख दो, तो जैसे ही आप रखोगे हाथ हटाओगे, और बहुत आराम से रखना वरना फिर भी डूब जाएगी, तो आप देखोगे कि सुई एक सरफेस पे तैर रही होगी, उस के तैरने की वजह क्या बनेगी सुई के, सरफेस टेंशन, यानी जो लेयर बनी है, जो लेयर है, जो सरफेस पर एक तनाव है, उसने एक लेयर बना दी है, जिसकी वजह से आपकी सुई उस पर रखी हुई है, आराम से तैर भी नहीं रही है, रख गई है। तो यही कॉन्सेप्ट फॉलो हो रहा होता है। अब देखो फैक्टर, एक फैक्टर देख लो, फैक्टर क्या है, सरफेस टेंशन डिपेंड ऑन टेम्परेचर,
surface, surface tension depend on temperature. अब temperature पे क्यों depend करता है भाई? देखो यहां पर आपको एक पूरा चार्ट बनाकर इन्होंने दिया हुआ है. मरकरी का सरफेस टेंशन ज्यादा होगा, इसी तरह से जो ज्यादा डेंसिटी वाले ऑब्जेक्ट होंगे ना उनका सरफेस टेंशन ज्यादा होगा, ये बात याद रख लो. अब ज्यादा डेंसिटी से क्या मुराद है कि भाई ज्यादा मास मौजूद है पर यूनिट वॉल्यूम में, तो इसीलिए सरफेस टेंशन ज्यादा आ रहा है. अब जरा मैं यहाँ ड्रॉ करके दिखाता हूँ. टेम्परेचर से समझ में आ गया? टेम्परेचर से मैं थोड़ा सा और भी बता देता हूँ भाई. देखो जब टेम्परेचर आपके पास कम होगा तो सरफेस टेंशन ज़्यादा आएगा. उसकी वजह क्या है कि भाई देखो जब टेम्परेचर कम होता है ना तो लिक्विड के मॉलिक्यूल जो हल्की हल्की वाइब्रेशन कर रहे होते हैं उनकी वो वाइब्रेशन कम हो जाती है. अगर आपका टेम्परेचर ज़्यादा है तो आपको पता है लिक्विड के मॉलिक्यूल्स जो है वो ज़्यादा मोशन करेंगे, तो ज़्यादा मोशन करने की वजह से ये लेयर बन नहीं पाएगी, यानी सरफेस पर एक तनाव आ नहीं पाएगा. तो जब लेयर ही नहीं होगी तो टेंशन ही ख़त्म हो जाएगा, तो इसीलिए लेयर के ना होने से टेंशन ख़त्म हो जाएगा. देखो लेयर सरफेस टेंशन पैदा कर रही है, लेयर सरफेस टेंशन नहीं है, लेयर की वजह से सरफेस टेंशन आ रही है, ये याद रखना. अगर आपसे कोई पूछ ले सरफेस टेंशन क्या है तो सरफेस टेंशन आपके पास ये है कि लिक्विड में हमारे पास एक लेयर बन गई है, मॉलिक्यूल्स के आपस में फोर्स की वजह से एक लेयर बन गई है, उस लेयर पर सरफेस, उस लेयर पर एक टेंशन है, तो उसी उस लेयर के टेंशन को हम कहते हैं सरफेस टेंशन. यानी एक खिंचाव है, एक परत बन गई, एक चादर सी बन गई है, ठीक है, एक चादर बन जाती है बेसिकली. तो बात समझ में आ गई. टेम्परेचर ज़्यादा होगा, मॉलिक्यूल्स मूव करेंगे तो जिसकी वजह से वो लेयर बन ही नहीं पाएगी, तो सरफेस टेंशन नहीं आ पाएगी. मरकरी की सरफेस टेंशन ज़्यादा है, उसकी वजह यह है कि मरकरी में मास यानी मरकरी की डेंसिटी ज़्यादा होती है, इसलिए सरफेस टेंशन ज़्यादा होती है. तो फैक्टर में ये सरफेस टेंशन टेम्परेचर पर डिपेंड कर गई, एक टेम्परेचर पर, और दूसरा ये डेंसिटी पर भी डिपेंड करती है, ठीक है, डेंसिटी पर भी डिपेंड करती है. तो जितनी ज़्यादा आपके पास डेंसिटी होगी उतनी ज़्यादा आपके पास सरफेस टेंशन आ जाएगी. ये बात लिखी भी नहीं है लेकिन मैं बता रहा हूँ, ठीक है, आगे बात समझ में आएगी. अब मुख्तलिफ चीज़ों की सरफेस टेंशन देखते हैं. मरकरी आपको पता है लिक्विड मेटल है, इसकी सरफेस टेंशन है 0.44, यानी इसी फॉर्मूले से ये कैलकुलेट की गई है. अब एक एक्सपेरिमेंट इसमें बताया भाई कि सरफेस टेंशन कैलकुलेट करते कैसे हैं लिक्विड्स की. तो एक यू टाइप का इन्होंने सिस्टम लिया, उसको एक लिक्विड में जो भी लिक्विड है उसमें डुबो दिया. अच्छा, एक तराजू बना लिया, वहाँ पर वेट रखते गए. तो जब तक वेट बढ़ाते जाएंगे और इतना वेट बढ़ाएंगे कि जो चीज़ आपने डाली है ना लिक्विड में वो खुद बाहर ना आ जाए निकल के. देखो यहाँ पर ये डायग्राम की ज़रा शेप देखो, शायद सही इतनी अच्छी नज़र ना आ रही हो. हाँ, अच्छी नज़र नहीं आएगी, उसकी वजह ये कि थोड़ा लाइट ज़्यादा है हमारे यहाँ. तो यहाँ पर अगर बराबर में भी चल रहा होगा ज़रा देख लो कि हमने क्या किया, लिक्विड का एक सिलेंडर लिया, उस सिलेंडर में एक चीज़ को डाल दिया, यू टाइप की चीज़ को डाल दिया. अब एक तराजू बना लिया, बराबर में वेट बढ़ाए जा रहे हैं, बराबर में वो वेट आ रहा होगा जो कि ये यू टाइप का शेप लगा रहा होगा सरफेस पर. तो हम वेट डालते जाएंगे, इतना वेट डालेंगे कि जिस वेट पर बस ये बाहर आ जाए पानी से. तो जैसे ही ये पानी से बाहर आएगा वो वेट देख लेंगे कि किस वेट पर ये पानी से बाहर आया, वही वेट यानी वही फोर्स लगा रहा होगा सरफेस, या सरफेस पे वही फोर्स लग रही होगी. तो उसको हम फिर जितने लेंथ पर वो एरिया, मतलब जितने लेंथ पर ये जो हमारा शेप तक इसने लिया हुआ था जितना लेंथ, उस लेंथ को कैलकुलेट कर लेंगे, इस फॉर्मूले रखेंगे तो सरफेस टेंशन हमारे पास आ जाएगी. अब ये ज़्यादा अच्छी तरीके से जब भी समझ में आएगा जब मैं आपको एक छोटा इसका एक्सपेरिमेंट करके दिखाऊंगा आने वाले वक्तों में. तो बात तो मेरी उम्मीद है समझ में आ गई होगी. अच्छा, अब इन्होंने यहाँ पर ये क्यों लिखा कि टी, अच्छा देखो सरफेस टेंशन एस से भी लिखा जा सकता है और टी से भी लिखा जा सकता है, तो मैंने दोनों लिख दिए क्योंकि अगर आप कहीं और से भी पढ़ोगे तो ये आपको देखने के लिए मिल सकता है सरफेस टेंशन. अब देखो ज़रा ये मसला क्या आया, एल भाई देखो ये एल जो है ना ये फ्री लेंथ होती है, मैंने जैसा कि बताया वो हिस्सा जिस पर फोर्स नहीं लग रही है. फॉर एग्जाम्पल ये आपके पास एक सुई है, इसको जब आप पानी में डालोगे तो इसके इस एंड पर फोर्स लग रही होगी, इसके इस एंड पर फोर्स लग रही होगी, दो एंड पे फोर्स लग रही होगी. समझो ये सुई है आपके पास, क्योंकि देखो शेप 3D नहीं बनता ना, इससे थोड़ा मुश्किल होती है समझाने में, तो इसलिए 3D की वजह से मैं आपको ऐसे समझा रहा हूँ, ठीक है. समझो ये आपके पास एक
सुई है, तो इस सुई पे इस तरफ फोर्स लग रही होगी, इस तरफ फोर्स मतलब ऊपर की तरफ फोर्स लग रही होगी नीचे की तरफ, लेकिन यहाँ और यहाँ पर फोर्स नहीं लग रही होगी। तो इसीलिए सुई का जो फॉर्मूला आता है सरफेस टेंशन में, वो आता है आपके पास टी इज इक्वल टू टू एल, यानी वो लेंथ जो फ्री है। तो ये याद रखना, इसको मत भूलना, ठीक है। फ्री लेंथ यानी जिन पे फोर्स नहीं लग रही, वो दो फोर्सेस लग रही हैं, एक वेट है, हाँ मैं बता भी देता हूँ, एक वेट की फोर्स लग रही है और एक फोर्स है टेंशन की वजह से, दो फोर्स हैं आपके पास। तो ये उम्मीद करता हूँ बात समझ में आ गई होगी। अच्छा, अब ज़रा कैपिलरी एक्शन देख लेते हैं, इसके बाद वही चीज़ है। तो बाकी छोटी छोटी एग्जांपल्स दी हुई हैं, इसी जो बात मैंने समझाई है उससे आपको पूरी वो बात अच्छी तरह डिटेल में समझ में आ जाएगी। कैपिलरी एक्शन जल्दी से करेंगे कवर, ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, ठीक है, ये बहुत आसान टॉपिक है। और कैपिलरी एक्शन जो है वो आपके पास कैपिलरिटी या कैपिलरी एक्शन, ये आपके पास, इसे कैपिलरी एक्शन भी कहते हैं, कैपिलरी एक्शन। अब ये होता कैसा है, देखो सबसे पहले तो कैपिलरी एक्शन होता क्या है कि आपके पास ये एक वो मौजूद है, आपके पास एक वो मौजूद है, क्या कहते हैं, लिक्विड मौजूद है, ठीक है, लिक्विड मौजूद है आपके पास, लिक्विड में आप ऐसे बना रहा हूँ, आपने इसके अंदर कोई ट्यूब डाली, कोई कैपिलरी ट्यूब डाली, आपने देखा होगा ना मुख्तलिफ ट्यूब्स आ रही होती हैं, तो उन ट्यूब को आप जब पानी में डालो तो आप देखोगे कि पानी जो है ना जो यहाँ तक था वो नीचे से दाखिल होगा, यहाँ पर आ जाएगा पानी। तो इसी चीज़ को बोला जाता है कैपिलरी एक्शन। ये एक एक्शन हुआ, क्यों हुआ, उसकी वजह क्या बनी, उसकी वजह भी सरफेस टेंशन बनी। क्यों, देखो एक सरफेस था, उस सरफेस में आपने एक चीज़ को घुसेड़ा, तो उस चीज़ को डालने की वजह से नीचे वाला जो पानी था ना वो ऊपर की तरफ उस कैपिलरी में चला गया, कैपिलरी एक्शन। अब इसके पीछे भी दो काम हो रहे होते हैं, वो भी मैं आपको ज़रा बताऊँ, एक होती है कोहेसिव फोर्स, एक होती है एडहेसिव फोर्स, ठीक है। समझो आपने कैपिलरी एक्शन कर लिया, अब मैं उसकी डायग्राम आपको आगे बना के दिखा रहा हूँ। देखो भाई, लिक्विड के मॉलिक्यूल्स आपस में जो फोर्स लगाएंगे ना, सेम लिक्विड के मॉलिक्यूल्स, तो वो जो फोर्स लगेगी उससे आपके पास ऐसी शेप आएगी, ऐसी शेप आएगी। मैं ज़रा इसको समझाता हूँ, ये मेनिस्कस, इसे मेनिस्कस कहा जाता है, इसको थोड़ा मैं बेहतर बना दूँ ताकि अच्छी बात समझ में आ जाए आप लोगों को। चलो अब ये क्या हो रहा है ज़रा ये समझाता हूँ। देखो सरफेस टेंशन ये भी काम करता है कि रिड्यूस करता है सरफेस को, एरिया को, मतलब लिक्विड के एरिया को रिड्यूस करने की कोशिश करता है। मतलब बस देखो, जब एक टेंशन आ जाएगी तो चीज़ें सुकड़ जाती है ना, देखा होगा ना आपने, जब कोई मसला मसाइल हो जाता है तो लोग मायूस से हो जाते हैं, मुश्किल आ जाती है उन पर, तो है ना। तो इसी तरह से जब लिक्विड में एक टेंशन आ गई है, एक तनाव आ गया, तो वो सुकड़ेगा। तो जब लिक्विड के मॉलिक्यूल्स एक दूसरे को खींच रहे हैं तो खींचेंगे तो आप देखेंगे कि लिक्विड सुकड़ेगा, सुकड़ेगा यानी रिड्यूस होगा। तो यहाँ पर आपके पास मॉलिक्यूल्स के दरमियान कौन सी फोर्स मौजूद है, यहाँ भी मैंने बताई थी, यहाँ भी मैंने बताया था, तो यहाँ मॉलिक्यूल्स के दरमियान मौजूद है कोहेसिव फोर्स मौजूद है आपके पास, ठीक है, कोहेसिव फोर्स मौजूद है। अच्छा, लेकिन अगर लिक्विड के मॉलिक्यूल किसी और चीज़ के मॉलिक्यूल को अट्रैक्ट करें, या कोई और चीज़ लिक्विड के मॉलिक्यूल को अट्रैक्ट करें, तो वो जिस फोर्स से अट्रैक्ट करेंगे एक दूसरे को, उसे बोलेंगे एडहेसिव फोर्स। देखो भाई, सेम लिक्विड है यानी सेम मॉलिक्यूल से मिलके बना होगा, ऐसा तो नहीं है ना कि चाय बनाई है आपने तो चाय के अंदर चाय के ही आपस में मॉलिक्यूल्स होंगे, ऐसा तो नहीं है कि तेल के मॉलिक्यूल हों अगर आपने इसमें तेल नहीं डाला है। तो इसी तरह से अगर आपके पास पानी है तो उसमें H2O ही एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे होंगे, तो H2O यानी सेम मॉलिक्यूल जिस फोर्स से एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे होंगे वो कोहेसिव फोर्स हो गई। अच्छा, अब आपने ट्यूब में डाल दिया है लिक्विड, तो आप एक चीज़ देखोगे कि आप एक चीज़ देखो, मैं थोड़े से मॉलिक्यूल्स बना रहा हूँ, बिल्कुल थोड़े से, नीचे तो ज़्यादा बना देता हूँ लेकिन ऊपर थोड़े से बना रहा हूँ। आप एक चीज़ देखोगे कि ये लिक्विड का मॉलिक्यूल और ये ग्लास का सरफेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। थोड़ा सा शायद बात मुश्किल हो रही है समझने में, उसकी वजह यह है कि थोड़ी डायग्राम सही नहीं बन पा रही है, ये पेन बहुत डार्क वो चल रहा है, बड़ा चल रहा है। तो लिक्विड का मॉलिक्यूल और सरफेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, तो जब दो डिफरेंट मॉलिक्यूल एक दूसरे पे फोर्स लगाएंगे ना, उसे बोला जाएगा एडहेसिव फोर्स, उसे एडहेसिव फोर्स कह देंगे हम। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको सारी बातें समझ में आ गई होंगी।
अब न्यूमेरिकल करते हैं और न्यूमेरिकल को चेक करते हैं। जैसा आगे अब जो भी बताया है, जो भी पढ़ाया है, उम्मीद करता हूँ समझ में बहुत अच्छा आया होगा, लेकिन हो सकता है शायद किसी बच्चे को कोई बातें समझ नहीं आ रही हो, तो एक बार ज़रा दोबारा देखने की कोशिश करना, बात समझ ज़रूर आएगी। बहुत मुश्किल बातें मैंने नहीं करी हैं, ठीक है। अब मैं आपको समझाऊंगा अपना न्यूमेरिकल, जो कि बड़े इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है भाई, ठीक है, बड़े इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है। टेंशन के दो न्यूमेरिकल हैं आपके पास। अच्छा, सबसे पहले न्यूमेरिकल नंबर वन जो कि आपके सामने बड़े स्क्रीन पर चल रहा होगा, ज़रा देखो उसे बराबर में। अच्छा हाँ, मैंने कैपिलरी एक्शन का फॉर्मूला नहीं लिखा, तो ये है H इज इक्वल टू टू टी, टी है पाई नहीं, टू टी अपॉन रॉ आर जी। अब देखो टी क्या है, टी आपके पास है सरफेस टेंशन, अगर मैं यहाँ लिखना चाहूँ तो लिख देता हूँ सरफेस टेंशन, जो कि लिक्विड पे होगा। अच्छा, उसके बाद ये रॉ क्या है, डेंसिटी ऑफ लिक्विड, ठीक है, डेंसिटी ऑफ लिक्विड, डेंसिटी ऑफ एल आई क्यू यू आई डी लिक्विड। आर क्या है, रेडियस ऑफ ट्यूब। देखो भाई, ट्यूब को अगर ऊपर से देखोगे तो ऐसी करके नजर आएगी ना, गोल सी, तो उस ट्यूब का रेडियस, रेडियस, और जितना ज़्यादा रेडियस होगा, जितना कम रेडियस होगा उतना ज़्यादा कैपिलरी एक्शन मिलेगा, रेडियस ऑफ ट्यूब। उसके बाद है जी, तो आपको पता है ग्रेविटी है आपके पास, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है, ग्रेविटी। चलो अब देखो बराबर में आपके सामने वो चल रहा होगा न्यूमेरिकल का पूरा पेज। कहा जाता है द बेस ऑफ एन इंसेक्ट लेग, मैं डायग्राम अभी बनाता हूँ क्योंकि उसी से सारी बात मैंने इंशाल्लाह एक्सप्लेन करनी है बहुत डिटेल में। वर्क थोड़ा सा गैप, एग्जाम्पल वर्क, एग्जाम्पल 6.5। अच्छा, कहा जाता है द बेस ऑफ एन इंसेक्ट लेग, एक इंसेक्ट है, कोई कीड़ा मकोड़ा है, वो उसका जो लेग है, लेग यानी उसका पाँव, आपने देखा होगा ना इंसेक्ट्स के बहुत सारे पाँव होते हैं, जैसे मच्छरों के भी बहुत सारे पाँव होते हैं, तो अप्रोक्सीमेटली स्पेरिकल इन शेप। अब आपने जो शेप लेना है ना उसके पाँव का, वो स्पेरिकल है, यानी इस तरह का है, इस तरह का है, और वो एक पानी पे आके बैठा है। जब वो पानी पे आके बैठेगा, ये मैं सिर्फ एक टांग बना रहा हूँ उसकी, इसी तरह से बहुत सारी टांग होंगी, समझ लो ये आपके पास एक इंसेक्ट है, उसकी टांग हो गई, ठीक है, उसकी टांग हो गई, पूरा शेप नहीं बना रहा, सिर्फ उसकी मैंने टांग बना दी है। डायग्राम बहुत साफ़ सुथरी बनाया करें ताकि बच्चों को बहुत अच्छी बात समझ में आ जाए। ये मैंने उसका वो बना दिया, पाँव बना दिया अपने इंसेक्ट का। अच्छा, अब रेडियस कितना है, अब मैं बताता हूँ ये बात करना क्या चाह रहे हैं। अब इसको बड़ा करके बनाते हैं, छोटा सा नहीं बनाएंगे, बड़ा करके बनाएंगे। ये आपके पास आ गया बड़ा होकर उस इंसेक्ट का पाँव, ठीक है, पानी में उसने अपने पाँव को रखा, तो ये लिक्विड था, ये लिक्विड था, एल आई क्यू यू आई डी, ये लिक्विड था, उसके पाँव रखने की वजह से लिक्विड बैंड हुआ, यानी एक सरफेस था जो कि बैंड हुआ, सरफेस क्या हुआ, बैंड हुआ। अब देखो उन्होंने तो स्पेरिकल कहा था, लेकिन अगर आप सामने से देखो तो आपको एक सर्कल नज़र आएगा, उसके पाँव को भी अगर आप देखोगे ना, उसका सर्कल ही आपको नज़र आ रहा होगा, स्पेयर नज़र नहीं आएगा। हमारी अर्थ है, अर्थ 3D है, एक स्पेयर है, लेकिन हम जब उसे ड्रॉ करते हैं तो यूं करके ड्रॉ कर रहे होते हैं, है ना, क्यों, सर्कल बन रहा होता है वो, तो इसी तरह से उसका पाँव गोल तो होगा लेकिन सामने से देखोगे तो एक सर्कल बन रहा होगा। अच्छा, अब उसके पाँव का एक रेडियस है जो कि कैलकुलेट किया गया है, और रेडियस आपके पास ऐसे निकलेगा, ठीक है, बात समझ आ गई। चलो उसके बाद क्या, और रेडियस की वैल्यू क्या दी थी, यहाँ लिख लो गिवन डेटा, ये बहुत ज़रूरी है, गिवन डेटा टू फाइंड, गिवन डेटा में रेडियस कितना दिया है इन्होंने, आर इज इक्वल टू 2.1 मल्टीप्लाई 10^-5 मीटर कर दिया है इन्होंने, ठीक है। अच्छा, अब उस इंसेक्ट का मास कितना है, क्योंकि वो भी आगे हमें चाहिए होगा कैलकुलेशन के लिए। इंसेक्ट का मास है 3.2 × 10^-6 kg, ठीक है। अच्छा, और वो बैठा हुआ कहाँ पर है, पानी पे बैठा हुआ है, तो इसको जो है वो हम क्या करेंगे, आगे कैलकुलेट करेंगे, उसको आगे कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। अच्छा, सपोर्टेड बाय इक्वली बाय, अच्छा वो जो इंसेक्ट है उसके 6 पाँव हैं, ये हमने एक पाँव बनाया है, इसी तरह से 6 पाँव, 5 और बनेंगे, याद रखना। इसके बाद ये क्यों ऐसा कह रहे हैं मैं भी बताऊंगा। एस्टिमेटेड द एंगल फॉर एन इंसेक्ट, अच्छा अब एंगल का क्या चक्कर आ गया, ये तो कुछ समझ ही नहीं आ रही बात भाई,
अभी समझ में आ जाएगी, डायग्राम पूरी ड्रॉ करने दो। ऑन द सर्फेस ऑफ वाटर, क्या उसने एंगल बनाया सरफेस ऑफ वाटर पर जिसकी वजह से सरफेस टेंशन आएगा। अच्छा, ये जो टेम्परेचर दिया हुआ ना, ये आपके किसी काम का नहीं है, ठीक है, ये सिर्फ कैलकुलेशन को जो है वो एक वो इसलिए दिया हुआ है, एक एक्स्ट्रा चीज़ है, लेकिन ये यूज़ नहीं होगा हमारा। अब देखो, ये पाँव है उसका, ये बात तो समझ में आ रही है। अच्छा, अब इस रेडियस को मैं हटा रहा हूँ क्योंकि मुझे एक डायग्राम ड्रॉ करके आपको दिखानी है। अब देखो, यहाँ से उसका पाँव एक फोर्स लगाएगा। भाई जब किसी चीज़ को आप देखो, मैं अगर ज़मीन पर खड़ा हुआ हूँ तो मेरा पाँव ज़मीन पर फोर्स लगा रहा है, और फिर ज़मीन एक्शन में मुझ पर फोर्स लगा रही है, जब भी तो मैं खड़ा रह पा रहा हूँ ना। अगर ज़मीन मुझ पर फोर्स ना लगाए तो मैं नीचे धस जाऊँगा जाकर। तो इसी तरह से उसके पाँव ने, मतलब इंसेक्ट के पाँव ने, देखो बहुत अच्छी तरह समझा रहा हूँ, माशाल्लाह से कभी भूलोगे नहीं, उम्मीद है, खुद रिसर्च करके मैंने इसको क्लियर किया है। तो उसका पाँव क्या करेगा, उस सरफेस पे फोर्स लगाएगा। यहाँ भी फोर्स लग रही है तो यहाँ भी फोर्स लग रही होगी, तो इस यानी फोर्स लग रही है। फोर्स किसकी, फोर्स किस में मौजूद है, सरफेस टेंशन के फॉर्मूले में। यानी बेसिकली आपके पास सरफेस टेंशन आ रहा होगा, सरफेस टेंशन आ रही होगी ना। तो अगर इस फोर्स को सिर्फ कैलकुलेट करना चाहो तो एल को उधर ले जाओ, बात समझ में आ गई। ऐसा भी यहाँ भी यही होगा, एफ इज इक्वल टू एल टी, ठीक है, बहुत सिंपल आ गई। अब परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ होगी, क्यों, क्योंकि देखो मसला क्या है, जब भी कोई इस तरह की शेप बनती है, इस तरह की शेप बनती है यानी वो टू डायमेंशन होती है, इस तरह की जब भी कोई शेप बनेगी वो टू डायमेंशन है, यानी वो वाई एक्सिस में भी कुछ है और एक्स एक्सिस में भी कुछ है। तो देखो ये इसी तरह का शेप बना है, उसने जो फोर्स लगाया ना आपको डायग्राम में, इन्होंने रफ बना के दिया हुआ है लेकिन मैं बहुत प्रॉपर बना रहा हूँ। तो जब उसने ऐसा किया तो टू डायमेंशन हुई, समझ लो इसको एक्स एक्सिस ले लो, उसको वाई एक्सिस ले लो। चलो आपकी आसानी के लिए इसको मैं यहाँ से लेके यहाँ तक एक्स एक्सिस, वैसे ऐसा होता नहीं लेकिन मैं समझाने के लिए कर रहा हूँ, इसको वाई एक्सिस कर लिया ताकि आपको ग्राफ बनता, वो ग्राफ बनता हुआ नज़र आए। अब देखो फोर्स, हमारे पास कोई पैरेलल जो फोर्स है वो कुछ कर रही होगी, सरफेस टेंशन में पैरेलल फोर्स तो कुछ नहीं कर रही है हमारे पास, मतलब सरफेस टेंशन तो उसी फोर्स की वजह से ना जो नीचे की तरफ लग रही है। देखो मैं, मुझे पता है आप लोगों को एक प्रॉब्लम हो रही होगी, वो प्रॉब्लम ये है कि आप बोलोगे सर आपने फोर्स यूँ बताई थी हमें, यूँ बताई थी आपने हमें फोर्स, लेकिन वो जब बताई थी, जब आप ऊपर से देख रहे हो, ऊपर से देखोगे तो फोर्स आपको यूँ नज़र आएगी, ठीक है, लेकिन जब आप यूँ सामने से देखोगे ना तो फोर्स आपको यूँ ऊपर की तरफ नज़र आएगी, इस तरफ ऐसे नज़र आएगी, ठीक है। तो इसीलिए ये ऐसे, और ड्रॉ करते हुए भी मैंने इस चीज़ को फॉलो किया था कि जब मैं सामने से ड्रॉ कर रहा था तो फोर्स ऊपर की तरफ बना रहा था, लेकिन जब मैं यूँ ड्रॉ कर रहा था तो फोर्स इस तरफ बना रहा था, ये 2D और 3D की वजह से हो रहा है। अच्छा, हो गया। अब यहाँ पर आपका आ गया क्या, कौन सा कॉम्पोनेंट आया, वर्टिकल कॉम्पोनेंट आया। यहाँ पर आपका कौन सा कॉम्पोनेंट आया, एंगल यहाँ पर होगा, ये वाला एंगल पता करने के लिए कहा है। अगर यही चीज़ यहाँ भी ड्रॉ कर लो तो यहाँ पर एंगल आएगा, यहाँ पर एंगल आएगा, यही चीज़ यहाँ ऐसे आ जाएगी, एंगल यहाँ आएगा। अभी मैंने बात करी कि जो पैरेलल कंपोनेंट है फोर्स का वो कुछ भी नहीं कर रहा, या जो पैरेलल कंपोनेंट है टेंशन का वो कुछ भी नहीं कर रहा, वो हमारे को जो है वो कोई टेंशन नहीं दे रहा, हमारे को जो टेंशन दे रहा है या हमारे पास जो फोर्स आ रही है वो परपेंडिकुलर कंपोनेंट की वजह से आ रही है। अब परपेंडिकुलर कंपोनेंट निकलेगा कैसे, ज़रा ये देखो, ज़रा मेरी बात सुनो। आपने देखो परपेंडिकुलर कंपोनेंट ये वाला है, ये वाला है, मैंने इधर ड्रॉ किया है लेकिन जितना इधर आ रहा है वही ये है, देखो ना सेम ही तो वैल्यू है, सेम ही वैल्यू, यानी मैंने उसको यहाँ से उठाकर यहाँ ड्रॉ तो कर दिया है लेकिन परपेंडिकुलर कंपोनेंट है ये वाला, इस चीज़ को ज़रा भूलना मत। अच्छा, तो देखो पैरेलल कंपोनेंट तो हमें कोई वो नहीं कर रहा, एंगल के सामने क्या बनता है, साइन, यानी परपेंडिकुलर है ना, एंगल के सामने क्या बनता है, परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस का रेशियो साइन होता है, लेकिन मुझे परपेंडिकुलर वाला मुझे चाहिए, ये बेस है। देखो दो चीज़ में गड़बड़ हो रही है, एक चीज़ को मैं क्लियर करता हूँ। देखो एंगल के सामने बनता है साइन, एंगल के सामने क्या बनता है, परपेंडिकुलर, यानी परपेंडिकुलर बन रहा है तो साइन आपके पास बराबर होगा, साइन थीटा आपके पास बराबर होगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, यानी जो इसका पैरेलल कंपोनेंट है वो साइन बना रहा है। साइन क्यों बन रहा है, क्योंकि एंगल से आप देखोगे एंगल के सामने वाली चीज़ परपेंडिकुलर होती है, तो ये परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेन्यूस है और ये बेस है, लेकिन मुझे परपेंडिकुलर कंपोनेंट चाहिए ही नहीं, सॉरी मुझे पैरेलल कंपोनेंट चाहिए ही नहीं, मुझे पैरेलल कंपोनेंट नहीं चाहिए। देखो परपेंडिकुलर अलग चीज़ है,
पैरेलल अलग चीज़ है और वर्टिकल कंपोनेंट अलग चीज़ है, इनको अलग अलग रखना। मुझे चाहिए वर्टिकल कंपोनेंट, मुझे ये वाला चाहिए, वर्टिकल कंपोनेंट चाहिए, वर्टिकल कंपोनेंट। तो वर्टिकल कंपोनेंट कौन सा है? ये वाला। ये क्या है? बेस। तो वर्टिकल कंपोनेंट कैसे निकलेगा? सॉल्यूशन करते हैं। वर्टिकल कंपोनेंट कैसे निकलेगा? वर्टिकल कंपोनेंट, कंपोनेंट। अच्छा, और वर्टिकल कंपोनेंट किसका? टेंशन का। तो अच्छा, यहाँ पर टेंशन को ना इन्होंने टी नहीं लिखा है, यहाँ पर टेंशन को इन्होंने ये वाला साइन बनाया है, ठीक है। तो यहाँ मैं इसको ऐसे बना रहा हूँ। अब वर्टिकल कंपोनेंट कैसे निकलेगा? बेस और कॉस थीटा। अब ये भी बात समझ नहीं आई होगी, ज़रा मैं इसको आसान करता हूँ। वर्टिकल कंपोनेंट यानी वी टी, है ना, वर्टिकल के लिए वी टी लिख रहा हूँ। और कैसे निकलेगा? वी और कॉस थीटा लेने से निकलेगा। बात समझ आ गई? उल्टा टी बना लो, ठीक है, बात समझ में आ गई। तो ये वर्टिकल कंपोनेंट को अगर लिखना चाहो तो वो ऐसे लिख सकते हो, खोल कर, छोटा कर कर, मतलब इसको समराइज कर। चलो, ये तो वर्टिकल कंपोनेंट आ गया। अब टेंशन का फॉर्मूला क्या होता है? टेंशन फॉर्मूला, टेंशन फॉर्मूला, टेंशन फॉर्मूला आपके पास रहता है टी एल इक्वल T इज इक्वल टू एफ एल, पर मुझे चाहिए फोर्स, तो मैं उधर ले जाऊंगा T L इक्वल टू F। अब देखो, फोर्स जो है हमारे पास यहाँ वो वेट की वजह से आ रही है, तो F इज इक्वल टू W इज इक्वल टू एम जी ऊपर पुट कर दो। अच्छा, इसी के साथ साथ यहाँ पर T को क्या रखा जाएगा? T को रखा जाएगा रॉ। तो हमने यहाँ पर परपेंडिकुलर कॉम्पोनेंट लेना है, क्योंकि हमारे पास एंगल बन रहा है, तो इसके साथ में उल्टा टी बनाऊंगा, इसके साथ में उल्टा टी, इसके साथ भी मैं उल्टा टी बनाऊंगा, ठीक है। तो इसको यहाँ पुट कर देते हैं। देखो, मैं बहुत डिटेल में समझा रहा हूँ ताकि एक एक छोटी छोटी बात समझ में आ जाए। तो ये हो गया आपके पास रॉ, बेहतर बनाते हैं, रॉ टी एल इक्वल टू एफ, ठीक है, बात तो क्लियर हो गई। और एफ की जगह क्या आ गया? एम जी। अच्छा, अब देखो, ये हमने क्या निकाला था? ये हमने यहाँ पर ये निकाल लिया है, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पर, इसके नीचे से यहाँ काम कर रहा हूँ, तो ये हमने क्या निकाला है? ये निकाला है, तो V cos थीटा इक्वल टू एम जी। ये तो एक L का है, L भी तो आएगा, देखा, ज़रा सी गलती हो जाए पूरा लिखना पड़ता है। L इज इक्वल टू एम जी, ये तो एक लेग का, एक लेग के लिए आपने काम किया है, हमारे पास छः लेग हैं, देखो ना, ये तो एक लेग बनाया है, तो छः लेग के लिए क्या करना होगा? इसको सिक्स से डिवाइड, फॉर सिक्स लैग, फॉर सिक्स लैग्स, छः लैग्स हैं, तो वी कॉस थीटा एल इक्वल टू एम जी डिवाइडेड बाय सिक्स। अब आपको ना, सॉरी वी बोल रहा हूँ, ये रॉ है थोड़ा सा ना, मेरे अगर कॉपी चेक करोगे ना, मेरी खुद की कॉपी में भी ये इसी तरह से बना हुआ मिलेगा आपको। अच्छा, एक इन्होंने चीज़ और दी हुई होगी टेंशन, वो भी देख लेते हैं कि टेंशन कहाँ लिख के दी इन्होंने मुझे, क्योंकि टेंशन के बगैर तो कैलकुलेशन नहीं होगी ना। अच्छा 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 अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, सही है। तो टेंशन यहाँ पर हमारे को वाटर का जिक्र किया इन्होंने, तो जो वाटर का जिक्र किया है तो टेंशन आपके पास कितनी हो जाएगी? 0.0। देखो, ऊपर एक चार्ट दिया था, वो इसीलिए दिया गया था ताकि आपको कॉन्स्टेंट वैल्यू पता चल जाए। ऊपर चार्ट में आपके पास टेंशन की वैल्यू लिखी हुई है, वाटर ऑफ टेंशन एट 20 सेल्सियस। देखो, उन्होंने टेम्परेचर कहा 20 सेल्सियस, तो 20 सेल्सियस पर जो सरफेस टेंशन आती है वो इतनी आ रही होती है, तो इसलिए आपको ये याद रखनी होगी कि 20 सेल्सियस पे इतनी आ रही है, 100 सेल्सियस पे 0.059 आ रही है, ठीक है, ये बात याद रखना। अच्छा, तो टेम्परेचर ज़्यादा कम होगा तो टेंशन ज़्यादा होगी। अब एक मसला है, L, देखो लेंथ क्या आएगी, लेंथ पे बात करते हैं, क्या है ये? सर्कल है, तो सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल क्या होता है? सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल, देखो अब सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल क्यों ले रहा हूं मैं, क्योंकि उसका जो टांग है ना, जो टांग है हमारे पास इंसेक्ट की, वो एक सर्कल की शेप की है, तो उस
उसकी लेंथ निकालनी है ना आपने, तो अगर उसकी लेंथ निकालनी है, उसके टांग की लेंथ निकालनी है, तो मतलब उसकी लेंथ सरकमफेरेंस होगी सर्कल का, और सरकमफेरेंस भी एक लेंथ होती है, याद रखना। तो सरकमफेरेंस यानी एल बराबर आ गया 2πr के, तो इसको भी पुट कर दो ऊपर, पुट अबव लिख दो, पुट अबव, तो क्या आ गया आपके पास, कॉस थीटा 2πr इक्वल टू एम जी सिक्स। अच्छा, ये कोई गोली का नाम नहीं लिखा है मैंने, एम जी सिक्स, ये हमारे पास हमारा काम ही है। चलो इसको देखते रहना, मैं करके आ रहा हूँ। अच्छा अब देखो, अब बस वैल्यूज पुट करो, एक एक चीज़ मैंने क्लियर कर दी, तो ये आपके पास आ गई 0.072, ठीक है 0.072 कॉस थीटा, ये तो हमने थीटा तो निकालना ही है, इसको तो नहीं सॉल्व करेंगे। अच्छा 2 आ गया एज इट इज़, 3.142 द वैल्यू ऑफ पाई, रेडियस आपको गिवन किया था इन्होंने, ये रहा 5 है या 3 है, ज़रा मैं चेक कर लूँ, ज़रा मैं रेडियस एक बार देख लूँ, ताकि हम कम से रेडियस में गलती ना हो जाए। आई थिंक रेडियस इनका 5 है। एक मिनट बस मैं रेडियस, सर रेडियस की वैल्यू कंफर्म कर लूँ, थोड़ा सा ना डिस्प्लेस हो गया मेरा पीडीएफ। हाँ रेडियस अबाउट 5, 2.1 मल्टीप्लाई 10^-5 इक्वल टू एम और जी और 6। अभी एम और जी की वैल्यू भी पुट कर रहा हूँ, लेकिन वो जगह नहीं बची ना, तो इसलिए ऐसे करके लिख रहा हूँ। अब देखो मेरी बात सुनो ज़रा इधर, अब कैलकुलेशन करते हैं ज़रा। देखो इसको 2 से मल्टीप्लाई और इन सारी चीज़ों से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अगर नहीं समझ में आ रही बात तो ज़रा मैं ऐसे करके लिख देता हूँ, कॉस थीटा को मैंने लिख दिया, फिर 0.072 लिख दिया, उसके बाद मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 3.142 लिख दिया, फिर 2.1 × 10^-5 लिख दिया, फिर m और g ऐसे ही लिख दिया और 6 लिख दिया। अब ज़रा इनकी वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करके चेक करते हैं, 0.052 × 2 × 3.142 नज़र आ रहा है, हाँ नज़र आ रहा है, और मल्टीप्लाई 2.1 × −5, तो बहुत छोटी वैल्यू आ रही है, लेकिन इसको एक्सपोनेंट में करके देख लो, 9.5 × 10^-6, तो कॉस थीटा मल्टीप्लाई किससे हो रहा है, 9.5 × 10^-6। अच्छा मास कितना दिया हुआ है, अब मास की वैल्यू पुट कर लो, 3.2 × 10^-6, और ग्रेविटी तो सबको पता है 9.8 और डिवाइडेड बाय 6। इस फैक्टर को सॉल्व कर लो ज़रा, ठीक है 9.5 × 10^-6 डिवाइड बाय, ज़रा उस फैक्टर को भी सॉल्व कर लो लगे हाथों, एक बार चेक कर लेते हैं, 0.072 × 2 × 3.142 ×, ठीक है सही है। अच्छा 3.2 × −6 डिवाइडेड बाय 6, और उधर मल्टीप्लाई 9.8, तो ये भी एक बहुत छोटी वैल्यू आ रही है, ये आया आपके पास 5.22 × 10^-6। कैसे किया समझ में आ गई ना बात, अब उधर लाके डिवाइड करा दो, तो 5.22 × 10^-6 डिवाइडेड बाय 9.5 × 10^-6, ठीक है, तो −6 कैंसिल हो जाएगा। देखो ज़रा डायरेक्ट भी बता देता हूँ, वैसे भी बता दूँगा, 5.22 × −6, ठीक है, डिवाइडेड बाय 9.5 × −6, ठीक है, तो वैसे भी ये एक दूसरे से डिवाइड हो ख़त्म हो जाता, थीटा निकालना है तो कॉस इनवर्स हो जाएगा वहाँ के, और 0.459 कर आ जाएगा। अच्छा अब देखो थीटा निकालना है, शिफ्ट दबा कर कॉस दबाओ, 0.59549, तो 56 आ रही है थीटा की वैल्यू, तो अल्लाह का शुक्र है ठीक आ गई है। चेक करते हैं ज़रा, थोड़ा सा अगर फ़र्क भी हो तो चल जाएगा, कोई मसला नहीं है, लेकिन कोई ज़रूरत नहीं है फ़र्क की, बिल्कुल ठीक आई है। अब ये 7 इसलिए आ रहा है क्योंकि हमने कुछ वैल्यूज़ कैलकुलेट करते वक्त पॉइंट में ली थी, तो इस वजह से ऐसा हुआ है। बिल्कुल एक्यूरेट आंसर आया है, पूरा सोल्यूशन आपके सामने, एक एक चीज़ एक्सप्लेन कर
किया है, घंटों खड़े रह गए हैं, तो उम्मीद करता हूँ याद रहेगी बात। अच्छा चलो, अब इसके बाद आखिरी एक छोटा सा न्यूमेरिकल है, लेकिन मुझे पूरा लिखना ही पड़ेगा, तो इसको लिख लेना अपने पास, ठीक है। इधर करा देता हूँ छोटी सी जगह पर, बल्कि मैं नहीं, इधर नहीं करा सकता क्योंकि मैं पेज बड़ा करूँगा, इधर ही कराता हूँ, ठीक है। इसको भी रिमूव करते हैं, इस न्यूमेरिकल को अपने पास लिख के रखना और समझते रहना इस न्यूमेरिकल को वक्तन फवक्तन। पीछे के सारे कॉन्सेप्ट इसमें यूज़ हो गए थे, तो ये बहुत ज़बरदस्त न्यूमेरिकल था। कहते हैं वाटर फ्लोज थ्रू अ फायर हॉस, वो देखा है आपने, जब आग लग जाती है तो फायर टेंडर एक पाइप लेकर आते हैं, उस पाइप के आगे लगा होता है फायर हॉस, वो जो फायर टेंडर लाते हैं ना पाइप, उसके आगे होता है फायर हॉस। तो जब ही कहते हैं कि पढ़ाई जो है वो प्रैक्टिकल लाइफ में ज़्यादा अच्छी समझ में आ जाती है, क्योंकि आप उसमें फिर चीज़ों को देख रहे होते हो। 6.6 आखिरी है। अच्छा, तो फायर हॉस उन्होंने कह दिया, तो गिवन डेटा में डायमीटर गिवन किया गया है, और टू कुछ फाइंड की तरफ भी जाएंगे। अच्छा भाई देखो, डायमीटर कितना गिवन किया है मुझे, डी से लिखूंगा डायमीटर को मैं, 6.5 सेंटीमीटर। रेडियस चाहिए होगा मुझे आगे जाकर, इसको पहले मैं डायमीटर को सेंटीमीटर से ज़रा मीटर में तो कन्वर्ट करूं, तो 100 से डिवाइड लेकर हो जाएगा काम हमारा आसान। बहुत शॉर्ट करके न्यूमेरिकल किए जाते हैं आपकी बुक में, बहुत ज़्यादा शॉर्ट कर दिए जाते हैं, इसकी वजह से बाद में हमें काफ़ी मेहनत करनी पड़ रही होती है। तो 6.5 डिवाइडेड बाय 100, डायमीटर इज इक्वल टू 0.065 मीटर। अब मुझे आगे रेडियस चाहिए होगा, लेकिन अभी निकाल लेते हैं रेडियस। तो रेडियस निकालने के लिए डायमीटर को 2 से डिवाइड ले लो, रेडियस आ जाता है 0.065। वैसे ये बात आपको नहीं समझ में आ रही होगी मैं ऐसा कर क्यों रहा हूँ, लेकिन आगे मुझे चाहिए। सिंपल, यहाँ पर मैंने रेडियस से डायमीटर में लेके जा, डायमीटर से रेडियस में लेके जा रहा हूँ अपनी चीज़ को। तो ज़रा यहाँ देख लो कैलकुलेशन, नज़र आ रहा हुआ है होगा आप लोगों को। तो 0.065 को जब 2 से डिवाइड कराओगे तो वो 0.0325 मीटर आ जाएगा। ये रेडियस, ये डायमीटर, ठीक है, ये वैल्यूस आ गए। और भी कुछ गिवन है वो भी ज़रा देखो। अच्छा, स्पीड बोलते हैं, यानी पानी कितनी स्पीड से बाहर आ रहा है, 5.99 मीटर पर सेकंड की स्पीड से आ रहा है। फाइंड द रेट ऑफ फ्लो, रेट पता करना है आपने। रेट के लिए ना अक्सर आर लिख देते हैं, लेकिन यहाँ पर उन्होंने पूरा लिखा हुआ है तो मैं फ्लो रेट लिख रहा हूँ यहाँ पर। अब फ्लो रेट क्या होता है ज़रा मैं बता देता हूँ, ये आपने फाइंड करना है। एक पाइप है आपके पास, यहाँ देख लो, देखो एक पाइप है, अगर उस पाइप को सामने से देखोगे, यानी जिस चीज़ से पानी निकल कर आ रहा है, समझ लो ये पाइप है, इससे पानी निकल रहा है, अगर इसको सामने से देखोगे तो ये क्या सर्कल नज़र आ रहा है ना, तो ये सर्कल आ गया। अब इस सर्कल से कितना तेज़ी से पानी निकल रहा है बाहर, ये आपने बताना है, इसी चीज़ को रेट कहा जाता है, या इसको आप फ्लो रेट कहते हो, ठीक है, याद रहेगी ना बात। अच्छा, अब मज़े की बात यह है कि सामने से देखने पे ये एक सर्कल है ना। पहले फ्लो रेट का फॉर्मूला देख लो, सॉल्यूशन, फ्लो रेट का फॉर्मूला होता है आपके पास, फ्लो रेट याद रख लेना, फॉर्मूला पढ़ा नहीं है हमने, ये वी ए कितनी वेलोसिटी है और कितने एरिया से बाहर आ रहा है निकल कर। अब देखो ये ए है, सामने से देखने पे क्या नज़र आ रहा है, एक सर्कल नज़र आ रहा है। एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, एरिया ऑफ सर्कल क्या निकलता है आपके पास, ठीक है, पाई आर स्क्वायर है ना भाई, यही होता है ना एरिया ऑफ सर्कल। अब एरिया ये ए के बराबर है, याद रखना, ठीक है। अब देखो इसको ऊपर पुट कर दो इक्वेशन वन में, पुट ए इन इक्वेशन वन, तो फ्लो रेट को मैं पूरा ही लिखूंगा, फ्लो रेट, तो ये हो गया आपके पास वी पाई आर स्क्वायर। सारी वैल्यूज पता है, पुट करके आंसर निकालो, लेकिन एक मसला है, आंसर उन्होंने कहा है आप बताना लीटर मिनट स्क्वायर में, लीटर मिनट में बताना, लेकिन ये आंसर आएगा मीटर क्यूब पर सेकंड में, उसको कन्वर्ट करना भी सिखाता हूँ। वी क्या है, 5.99, पाई क्या आता है, 3.142, आर क्या है,
0.0 0.0325 वैल्यू सारी डालना और स्क्वायर। अब दो तरह के स्टूडेंट हैं, पहले वो स्क्वायर लेंगे फिर मल्टीप्लाई, फिर ये तो बहुत लंबा हो जाएगा, डायरेक्ट बुलाओ कैलकुलेटर में आंसर निकाल लो। 5.99 मल्टीप्लाई 3.142 मल्टीप्लाई 0.0325 लेकिन स्क्वायर भी, ठीक है। ये आ गया आपका फ्लो रेट। मसला ये है कि ये आंसर 198, देखो इतना ही लिया ना नंबर, ज़्यादा तो नहीं लिया उन्होंने, एक और 8 भी लिया है, 0.01988 मीटर क्यूब पर सेकंड आ रहा है। अब देखो सबसे पहले याद रखना, कन्वर्जन देख लो, यहाँ पर कन्वर्जन देख लो, अगर मीटर को, मीटर क्यूब को लीटर में ले जाना है तो एक मीटर क्यूब बराबर होता है 1000 लीटर के। हाँ ज़रा एक मिनट देख लेते हैं, हाँ सही है, क्योंकि भाई गलती ना हो जाए ना, वरना तो मसला आ जाएगा। ठीक है ठीक है, एक चीज़ तो समझ में आ गई। अब दूसरी चीज़ देखो कि एक सेकंड बराबर होता है, सॉरी एक मिनट बराबर होता है, एक मिनट MI बराबर होता है 60 सेकंड के। ये किस में दिया हुआ है, ये आपको दिया हुआ है इन्होंने, देखो कन्वर्जन सिखाने में ना खुद आधा घंटा लगेगा, लेकिन अगर डायरेक्ट बोलूँ तो देखो ये मीटर क्यूब में तो दिया हुआ है, तो 1000 से मल्टीप्लाई करा दो, जितना ये मीटर में आ रहा है वो लीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। अच्छा सेकंड से भी ये मल्टीप्लाई होगा, क्यों, क्योंकि देखो ये सेकंड्स में डिवाइड में दिया हुआ है, तो ये आपके पास इधर आ जाएगा 60, रेसिप्रोकल हो गया वो ऊपर आ जाएगा। तो बेसिक अगर मैं कहना चाहूँ सिंपल करके बात, थोड़ा सा इस पर कॉन्सेप्ट सीख लेना कि ये ऐसा कैसे हो रहा है, मैं बता तो रहा हूँ लेकिन फिर भी मुझे पता है कि इसका थोड़ा सा एक और भी चीज़ है जो बतानी चाहिए थी मुझे, लेकिन अब बहुत लंबी हो जाएगी वीडियो इसलिए नहीं बता रहा हूँ। 1000 से मल्टीप्लाई 60 से डिवाइड, सॉरी 60 से भी मल्टीप्लाई, चेक कर लो ज़रा यहाँ क्या आ रहा है, समझ तो गए होंगे क्या आ रहा होगा जवाब इसका, ज़रा ये ओपन हो जाए। 0.01988 मल्टीप्लाई 60 मल्टीप्लाई 1000, तो आ रहा है ये आपके पास फ्लो रेट आ रहा है आपके पास 11928 लीटर पर मिनट। तो ये देख रहे हो मीटर क्यूब पर सेकंड से वो लीटर पर मिनट चला गया। तो ये यहाँ पर हमारा काम कंप्लीट हुआ, आई होप बात समझ आ गई होगी, वीडियो को यहीं रोकता हूँ, काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया है, नहीं आई हो तो पूछना मैं बता दूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़, अपनी कीमती दुआओं में जरूर।